भाई साल के आखिरी ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा फन करेंगे। सच्ची आखिरी ट्रिप ही है ना? नहीं, सेकंड लास्ट है। मगर एक और ट्रिप है? ऐसे कर रहे, ऐसे तेरे को तो कुछ पता नहीं है, ड्रामे मत कर। मुझे लगा साल का आखिरी ट्रिप होगा ये। गाइस ये देखो सबसे ज्यादा कौन इंस्पायर्ड है, कौन ज्यादा फन कर रहा है। ये देख, इसको ये अच्छा लग रहा है, बैग को साथ-साथ चलाओ। उसको बैग नहीं अच्छा लग रहा, उसको बैग के ऊपर जो टैग लगा हुआ है ना वो खाना अच्छा लग रहा है। भाई ये अशर का बच्चा, दुनिया जहान का कूड़ा, पेपर, प्लास्टिक, ऐसी चीजें दे दो सब खा जाएगा। खाने की कोई चीज दे दो कुछ नहीं खाएगा। एनीवे हम जा रहे हैं अबू धाबी और आज हमारी फ्लाइट है एतिहाद। हम एतिहाद की बिजनेस क्लास में जाने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं आज कैसा होता है बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस इन एतिहाद। मैंने सुना वन ऑफ द फाइनेस्ट स्वीट्स होता है, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले फ्लाइट में जाने से पहले अशर हम कहां जा रहे हैं? भाई खाना खाने बहुत सारा यार, पता है वैसे आज कुछ डिफरेंस है। क्या? आज मुझे भूख नहीं लग रही, मैं अशर के लिए जा रहा हूँ। आज अशर को बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, परांठे, डोसा, चाउमीन, बर्गर। और गाइस हम लोग आ गए एनकाम ट्रीवी और ये मुझे बिल्कुल व्लॉग नहीं करने दे रहा। ये देखो वीडियो बॉम्बर खींची जा रहा है, खींचा। इसको एक्चुअली कैमरा चाहिए ताकि इसका स्ट्रिंग खा सके, है ना। ये देखो इसके रिएक्शंस आजकल ना देखने में तो मजा आते हैं अशर। और क्योंकि हम दूर बैठे हैं तो हर्ष हमारे लिए खाना लेके आ रहे हैं। यार ये मेरे को बिल्कुल व्लॉग नहीं करने दे रहा, खिला दे इसको। इतनी सारी खाने की ऑप्शंस, इतना लजीज खाना, डेफिनेटली इंडिया का बेस्ट लंच। बिना हर्ष हमारे लिए लेके आया पूरी प्लेट फुल ऑफ डेजर्ट। प्रेरणा पता है मैंने क्या किया? जितने डेजर्ट थे ना मैंने कहा सारे ले आओ, शायद कुछ अशर खा ले। ये तो खुद एक इतना बड़ा डेजर्ट है, इसको मैं खा जाऊं फिर? वनीला आइसक्रीम बन के आया है यार, इसको ग्रीक योगर्ट खिला सकते हैं, वो खिला। मैं ग्रीक योगर्ट लेके आया और एप्पल का कुछ सैलेड है वो भी लेके आया, वो भी खिला इसको। और अशर ने खाया यहाँ पे योगर्ट, देखो कैसे मुंह पे लगा लिया। अशर खा के दिखा एक बार, एक बार दिखा। ओ वो इसको अच्छा लगा यार, ग्रीस में खाया नहीं यहाँ खा रहा है ग्रीक योगर्ट। गाइस मुझे इसकी एज के बच्चों का नहीं पता, बट ये इतना स्मार्ट है ना, इसका एक हाथ पकड़ा तो दूसरा निकाल लिया। मतलब इसको पता है कि मुझे कैसे क्या करना है। और अभी हमने इतना सारा खाना यहीं पे खा लिया तो इतिहाद पे भी खाना है हमें। पूरा आपको रिव्यू देना है बेसिकली क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है, डाइनिंग एक्सपीरियंस, फ्लाइंग एक्सपीरियंस। अशर कह रहा है मुझे गुलाब जामुन खाना, तो थोड़ी सी जगह पेट में बचानी चाहिए हर्ष हमें। बट अशर कह रहा है मुझे गुलाब जामुन खाना है और मैं अबू धाबी के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। आपको पता है मुझे लगता था अबू धाबी में ना सबसे पॉपुलर से फरारी वर्ल्ड ही है, बट वहां पे इतनी अट्रैक्शंस होंगी मुझे नहीं पता था। अभी आपको भी आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलने वाली है। तो गाइस अभी क्या हुआ कि एकदम ऐसे ही ना मैं वॉक करते करते एक अलग सेक्शन में आ गए इनकाम प्रीव्यू के, और पता लगा कि पीछे आज ही ना स्लीपिंग पॉड्स खुले। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि स्लीपिंग पॉड्स में एग्जैक्टली होता क्या है। यार आराम से सो सकता है बंदा, नैप ले सकता है, इतना अच्छा लाउंज आज तक किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखा। इंडिया में एक्चुअल में नंबर वन लाउंज खुल गया है गाइस इनकाम प्रीव्यू, और 100% गारंटीड कह सकती हूँ। क्या सर्विसेज है, क्या खाना है, इतना खाना। मैं अभी किसी की बातों पे ईवड्रॉप करा मैंने भाई, सॉरी बट क्या वो बोल रहे थे, वो यही बता रहे थे कि यार ऐसा तो कहीं पे भी नहीं देखा, इतनी चॉइसेस खाने की। और साथ में मेरे सामने जिम है और डिटॉक्स बार है, मतलब आप बीटरूट कैरेट अभी हर्ष ने ऑर्डर करा है, वो जूस बनवा के ला रहा है, हर सर्विस है। चलो पॉट के अंदर क्या होता है दिखाती हूँ। एयरपोर्ट पे टाइम पास करने का इससे बेटर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, एक दो घंटे आराम से नैप लो। भाई मेरे को डर लग रहा है दांतों की ट्रीटमेंट ना स्टार्ट हो जाए। लेट जाए, लेट जाए यहाँ पे। भाई क्या मस्त नींद आएगी यहाँ पे यार। एंड देन इट वाज टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट। अशर पीकबू कर रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली कैसी है फ्लाइट देख रहा है, कैसी लगी तेरे को फ्लाइट? लग तो बढ़िया रही है मामा, अभी मैं इनकी सर्विसेज देखूंगा। मामा बहुत अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। Look at him. Wanna say hi? Say hi, Asher. Yeah, he said hi. Asher, पापा को भी हाय बोलो। नहीं। Asher? नहीं। पापा को भी हाय बोलो। नहीं। मैंने देख लिया है कि सिर्फ केबिन क्रू को ही हाय कहते हैं हमेशा। नहीं। नहीं। मुझे सबसे अच्छी चीज पता क्या लग रही है इस फ्लाइट में? Yes. ये लाइट्स। मुझे पता क्या सबसे अच्छा लग रहा है? ये देख। क्लोज्ड। गुड नाइट। ये तो मेरे लिए अच्छा है ना, तू पी कबू नहीं करेगा। तो ये है मेरी सीट नंबर 5G और मेरी सीट है 5B। थोड़ा लेफ्ट लेंगे प्रेरणा और अशर। ओ हेलो, क्या मस्ती हो रही है? मस्ती नहीं हो रही, मैं सोच रही इसको सुला दूं, नहीं तो ये हमें नहीं सोने देगा और किसी को भी नहीं सोने देगा फ्लाइट पे। 4 घंटे की फ्लाइट है, क्या ही सोएंगे यार। अग्रीड, ये अलग होने वाली है फ्लाइट। जब तक ये छोटा था तब तक एक्चुअल में फ्लाइट लेना कितना आसान और सुखा होता था। मैं भी यही सोच रहा हूँ यार। यार तू 5 मंथ्स वाला अशर हो जाना। अशर वापस छोटा हो जाए। लेट जाओ और सो जा। इसको हर चीज छूनी है, देखना है क्या क्या लाइटिंग्स है, क्या क्या चीजें यहाँ पे। एग्जैक्टली, हम काफी दूर है, दूर नहीं अभी हम लॉक हो जाएंगे। क्लोज। Would you like some refreshments? Water. Aashar. Water. Rabbit. Current scenario, पानी, अशर पी रहा दूध और मैं पी रहा हूँ जूस।
ये आ गया मेरे लिए हॉट टॉवल, और मुझे पानी पीने नहीं दे रहा वैसे। अशर पापा खेल सकते बम बम, और यहाँ पे अशर और पापा की प्ले गेम स्टार्ट हो गई है। अशर का ध्यान वहाँ पे, अशर को क्या चाहिए, अशर क्या है वहाँ पे। और मैंने अशर को पकड़ा दिया पापा को, क्योंकि फ्लाइट स्टार्ट होने के बाद तो मुझे पकड़ना पड़ेगा। बाय द वे फ्लाइट अभी एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो तो आपको धीरे धीरे बता ही देंगे। और सेटल डाउन हो गए हैं, केबिन काफी अच्छा है, फर्स्ट रो में बैठे हैं, सो इंटीरियर्स बहुत लग्जूरियस हैं, बहुत ही मस्त फ्लाइट है, क्रू भी बहुत अच्छा है, सो लेट्स सी आगे कैसा रहता है। हाय गाइस, हमें बहुत मजा आ रहा है, मैं इसे फीचर्स दिखाऊं। ये देख, ये बटन दबाया मैंने, ये ओपन हो गया, यहाँ बटन दबाया है, एक और ओपन हो गई, यहाँ पे हेडफोन्स, यहाँ पे एक बड़ा सा टैबलेट, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है। फाइनली अशर खेल रहा है, लाइटिंग कितनी सही है ना यार। मैं चाहता हूँ अशर सो जाए, खेले ना, मेरे पे जंप मार मार के मेरी बैंड बजा दी इसने। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो इसका बिजनेस क्लास है ना इतिहाद का, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट सी स्पेस में ना इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से आप, जहाँ पे चीजें रख सकते हो। यहाँ से पूरी सीट हमारा बेड बन जाती है। ऑलमोस्ट 4 घंटे की फ्लाइट होने वाली है, ज्यादा फ्लाइंग टाइम तो नहीं है, बट काफी रिलैक्सिंग और कम्फर्टेबल होने वाली है। अभी मैं इसको पूरा पुश बैक कर दूंगी तो पता लगेगा। बाकी अशर बहुत ही कम्फर्टेबली सेटल डाउन हो चुका है, एंड होपफुली रोए ना। अभी वो छोटा वाला अशर नहीं रहा जो रोता नहीं था, अभी ये रोता भी है और परेशान भी करता है, बट अभी इसका स्लीपिंग टाइम हो गया है, सो हम एक दूसरे की आंखों में डूब गए। और फाइनली टेक ऑफ हो रहा है और अशर थोड़ा सा शांत हुआ है, अभी बहुत शोर मचा रहा था। कितना शोर मचाते हो, कितना शोर मचाते हो। तो करंट सिचुएशन ये है कि हर्ष को यहाँ से शिफ्ट होकर आना पड़ा है यहाँ, हम दोनों ने मिलकर उसे सुला दिया है, और अब उसका बैजनेट लग चुका है, तो वो बैजनेट के अंदर जाने वाला सो चुका है क्योंकि। और अब मैं तसल्ली से खाना खाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा है, जिंजर एल और नट्स। सो अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी अरेबिक प्लेटर। अशर सो गया, अब कोई टेंशन ही नहीं है, मजे से ब्रेड खाओ, मस्ती करो और थोड़ी देर बाद सो जाओ। तो यहाँ पे मेन कोर्स आ गया और उसके साथ हर्ष भी आ गया। प्रॉब्लम ये है, इस लड़की से खाया नहीं जा रहा तो कह रही है तू ये खा ले। बात तो सही है, खाना वेस्ट करने का क्या फायदा। तो फिर दूसरी मील मत मंगा, यही खा ले। हाँ तो मैं यही लूंगा यार, ये नान है, चावल है, ये मोमोज है, नहीं आलू की सब्जी है कुछ। ओके, और ये क्या है, ग्रेवी कोई, जयपुरी। और ये 5-star एयरलाइन को 1-star बनाते हुए, यह ग्रेवी अच्छी काजू की ग्रेवी है पता है। गाइस मैं सोने के लिए पूरी तैयार थी, पर देखो मेरी सीट पे आके खड़ा हो गया, कह रही है मुझे फ्लैश दे, मेरा कैमरामैन बन, इसलिए आया हूँ मैं। फ्लैट बेड हो गया, ये प्रेरणा पूरी सो रही है, यहाँ पे हमारा अशर सो रहा है। 2 seconds later अशर ना यहाँ से जंप करके सीधा यहाँ आ गया अपनी मम्मा के पास, कह रहा है मैं तो मम्मा के साथ सोऊंगा। प्रेरणा उड़ जा भाई, लैंड होने वाले। और लैंडिंग के टाइम हर्ष अशर से मजे ले रहे हैं। मैं अशर को बता रहा हूँ कहाँ से हुआ था, टॉप फ्लोर पे। और बहुत ही कंफर्टेबल सी फ्लाइट के बाद हम पहुंच गए सेंट रेगिस अबू धाबी। सो एक्साइटेड कि आगे क्या क्या होने वाला है गाइस। अंटिल देन बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।